हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। मेरा वॉइस आ रहा है? गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। नाउ स्टार्ट। पहली बात तो कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आपने ग्राफ बनाया क्या? आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं सब लोग? यस सर। ओके फाइन। सो ये आप बना लेंगे या मैं इसको कंटिन्यू करूं या इसको छोड़ दूं? जिसका वॉइस चालू है वो मुझे बताए कम से कम, एटलीस्ट मैसेज में बताए, चैट बॉक्स में बताए। ओके, आई एम स्टार्टिंग द टुडे। द टॉपिक इज लिमिट। नाउ टुडे स्टार्ट द टॉपिक लिमिट। लिमिट्स, दिस इज द सेकेंड टॉपिक या थर्ड टॉपिक बोल दीजिए आप, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सेकेंड काउंट करते हैं तो दिस इज द थर्ड टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। लिमिट्स को हिंदी में कहा जाता है सीमा। सीमा, इसे हिंदी में कहा जाता है सीमा, करेक्ट? तो देखिए, yes. मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि भाई ये होता क्या है, क्या होता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये है कि पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर हिंदी की बात करें तो किसकी सीमा, किसकी सीमा, लिमिट ऑफ व्हाट मतलब सीमा किसकी, किसकी लिमिट निकालेंगे हम, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें, या ऐसी कौन सी चीज है हमारी मैथमेटिक्स में जिसकी हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ व्हाट। तो सीधा सा जवाब है कि हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। किसकी लिमिट निकालते हैं? फंक्शन की। सो इसका जो आंसर यहां पे दिया जाएगा, आंसर लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट का मतलब है किसकी लिमिट, किसकी लिमिट, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, किसकी लिमिट कर रहे हैं। तो आंसर है फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की लिमिट। मतलब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई हम लोग लिमिट निकालेंगे किसकी, तो फंक्शन की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? फंक्शन की निकालेंगे, फंक्शन की लिमिट हम लोग निकालेंगे हमेशा। ये बात हमेशा याद रखिए आप कि लिमिट किसकी निकाली जाती है? फंक्शन की निकाली जाती है। मतलब जो फंक्शन होगा उसी की क्या होगी? लिमिट होगी। तो आप लोगों को पता है कि फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा है फंक्शंस के चैप्टर में कि भाई फंक्शंस क्या होता है। कोई जो अगर फंक्शन नहीं है तो उसका लिमिट नहीं निकलेगा, जो फंक्शन है उसी का लिमिट डिफाइन है, उसी का लिमिट निकलेगा। पहली बात सबको समझ में आ गई। सो लिमिट किसकी निकलेगी? फंक्शन की लिमिट निकलेगी। लिमिट ऑफ व्हाट? आंसर फंक्शन की लिमिट। इज इट क्लियर? ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। आपको ये बात शायद समझ में आ रही होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है ना? कोई दिक्कत आपको इसमें? सर, नो सर। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि हम लोग वाई वाई वी इवेल्युएट या वाई वी कैलकुलेट, वाई वी कैलकुलेट लिमिट,
सर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हम लोग लिमिट को निकालते? व्हाई वी इवेल्युएट लिमिट, व्हाई वी कैलकुलेट, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवेल्युएट, इवेल्युएट लिमिट, हम लोग लिमिट निकालते क्यों है? क्या बोला मैंने, हम लोग लिमिट निकालते क्यों है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो लिमिट निकालते क्यों है, व्हाई वी इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब आप हिंदी अगर इसका समझना चाहते हैं, दैट मींस फाइंड करना, फाइंड करना, फाइंड करना, लिमिट क्यों फाइंड करते हैं? क्वेश्चन आता है कि लिमिट क्यों फाइंड करते हैं, यस और नो? तो दिस इज द मीनिंग, इसका अगर हम आंसर की बात करें, आंसर की बात करें तो दिस इज एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, एस्टिमेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, आप इसे लिखते भी जा रहे हैं के साथ साथ, एस्टिमेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इन द नेबरहुड ऑफ, इन द नेबरहुड, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। शायद ये बात आपको शायद समझ में ना आए, मैं आपको इसका हिंदी बताता हूं, नेबरहुड का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी, नेबरहुड का मतलब पड़ोसी, एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेशन, किसका एस्टिमेशन, वाई कोऑर्डिनेट का, इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, जो भी एक पॉइंट होता है उसके नेबरहुड में हम उसके वाई कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं, करेक्ट? तो दिस इज वाई वी कैलकुलेट या इवेल्युएट लिमिट, मतलब एस्टिमेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, मतलब उसके उस पॉइंट के पड़ोस में हम लोग किसकी बात करते हैं भाई, उसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यस और नो? तो आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो उतारना चाहता है वो उतार सकता है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ओके, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड नाउ वी मूव इन द थर्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट क्या है, मैं ऐसे लिखूं, यदि x टेंड्स टू a, इसका मतलब है टेंड्स टू a, मतलब या फिर x अप्रोच टू a, या तो x टेंड्स टू a या x अप्रोच टू a, इज इट क्लियर? देन देन fx tends to lambda, then fx tends to lambda, then it is represented by, then it is represented by limit x tends to a fx is equal to lambda, x tends to a मतलब x a की तरफ जा रहा है, x a की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है, x a की तरफ गया नहीं है, मतलब वो जाने की कोशिश कर रहा है, तब fx, fx को क्या बोलते हैं हम लोग, y बराबर fx होता है कि नहीं होता है, y बराबर fx होता है, तो y कोऑर्डिनेट किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लैम्डा को अप्रोच कर रहा है, तो अगर इस प्रकार की घटना होगी तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे lim, लिमिट x टेंड्स टू a fx is equals to what, lambda। अच्छा, तो फिर अब दिमाग में ये बात आई कि मास्टर जी आपने एक बात तो यहां गलत पढ़ाई है या फिर हमें गलत बताइए। तो बोले साहब कौन सी बात गलत बताई है मैंने, तो लेट अस सी। आप यहां कह रहे हैं कि x a के पास गया नहीं है, x a के पास गया नहीं है, गया नहीं है, और fx भी इस किसके पास नहीं गया है, lambda के पास नहीं गया है। तो ये बताओ अगर ये गया नहीं, ये गया नहीं, तो ये कैसे चला गया, गया ये इक्वल टू क्यों लगाया, ये इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर भी तो टेंड्स टू होना चाहिए था। बोलो हाँ कि ना,
इसका मतलब लिमिट तो एक बहुत ही झूठा चैप्टर है, लिमिट तो एक बहुत ही झूठा चैप्टर है। वो कह रहा है कि एक्स ए के गया नहीं, एफ एक्स लैम्डा को जा रहा था, तो आपने लिमिट लगाते ही बराबर का साइन कैसे लगा दिया, इक्वल टू का साइन कैसे लगा दिया। इसका मतलब जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ डाला है, और ये तो झूठा चैप्टर लग रहा है, ये तो गलत बात कर रहा है कि अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है और एफ एक्स लैम्डा को अप्रोच कर रहा है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स बराबर लैम्डा क्यों लिखा सर, वाई दिस इक्वल टू, क्यों आपने यहां इक्वल टू का साइन यूज किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसका मैंने आपको तर्क ये दिया, इसका तर्क ये है कि भाई यहां पर जरूर कह रहा है कि एक्स ए को नहीं गया है, ए को एक्स गया नहीं है, एक्स अभी ए हुआ नहीं है, क्योंकि एक्स अगर ए हो जाएगा तो देखो ध्यान से, देखो यदि यदि एक्स ए हो जाएगा, एक्स बराबर ए हो गया, तो इसका मतलब हो गया ए, एक्स बराबर ए रखा तो ए किसकी तरफ जा रहा है, ए ए की तरफ जा रहा है। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ए ए की तरफ जा सकता है, क्या आप आपकी तरफ जा सकते हो, क्या मैं मेरी तरफ जा सकता हूं, क्या शोएब अपनी तरफ जा सकता है, नहीं ये बात गलत है, एक्स बराबर ए नहीं हुआ है। अगर एक्स बराबर ए हो जाएगा तो ए किसकी तरफ चला जाएगा, ए की तरफ, जो कि बात क्या है गलत है, मतलब एक्स बराबर ए नहीं नहीं होगा, मतलब लिमिट चैप्टर में कभी भी वो चीज बराबर नहीं नहीं होता, मतलब एक्स किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, ना कि ए ए की तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब एक्स ए की तरफ गया तो एफ एक्स किसकी तरफ गया, लैम्डा की तरफ गया, तो जब भी इस टाइप की घटना होगी तो हम उसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स एफ एक्स बराबर कितना लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। शायद ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो इतना तो हमने एक बार समझ लिया, ये हम लोग लिमिट का एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। आपकी जो भी क्योरी होगी वो आप बाद में पूछिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि सर ये लिमिट ये हमारी जिंदगी में आई क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ कि लिमिट को हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया एस्टिमेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इन द नेबरहुड ऑफ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट के पड़ोस में हम लोग बात करते हैं उस पॉइंट पर बात नहीं करते। तो जैसे फंक्शन चैप्टर में, फंक्शन चैप्टर में हमें कहा जाता था, क्या कहा जाता था कि भाई ये एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस चार, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन का मतलब एक्स बराबर कितना धर दो, वन रख दो, तो वन रख देते थे तो आंसर कितना आता था, फाइव। यस और नो, वहां तक की बात हमारी सारी क्या थी, ठीक थी। लेकिन मैं अब इस तीसरे पॉइंट को एक बार मिटा रहा हूं, ये सारी चीजें आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, करेक्ट, नहीं तो आप मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं नंबर चार पॉइंट से। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बटा एक्स माइनस थ्री। ये क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने लिया, एफ एक्स बराबर कितना लिया मैंने, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बटा एक्स माइनस थ्री। मुझे किसी ने कहा कि भाई ड्रॉ द ग्राफ, ये अपने मोबाइल बंद रखिए, अपने मोबाइल की आवाज बंद रखें या अपने आप को म्यूट रखें आप। मान लीजिए मैं चौथे पॉइंट में आपके समक्ष एक क्वेश्चन डाला और मैंने कहा कि यदि एफ एक्स बराबर दिस तो मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाओ, मुझे इसका क्या बना के दिखाओ भाई, ग्राफ बना के दिखाओ। तो इसका ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, उसका डोमेन। उसका डोमेन लिया तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इसका सबसे पहले आपने डोमेन निकाला, और डोमेन क्या होता है, डोमेन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन का डोमेन, सुन लो जिन बच्चों का अगर मिसकंसेप्शन है, तो डोमेन के लिए कभी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं किया जाता, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती, जो जैसा है उसी कंडीशंस में उसका क्या निकाला जाता है, डोमेन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, डोमेन। तो इसका डोमेन
इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नो. इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है. कहां पर? हाँ. तीन पर. क्योंकि अगर तीन रख देंगे तो तीन माइनस तीन कितना हो गया? जीरो. तो इसका डोमेन आर माइनस कितना? तीन. क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? डोमेन आ जाएगा आर माइनस कितना? तीन. ग्राफ बना रहा हूं मैं इसको. मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं. मैं आपको लिमिट के पास लेके जाना चाह रहा हूं. ओके, सो नाउ अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं. डोमेन मेरा निकल गया तो अब एफ एक्स बराबर ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए एक्स माइनस तीन इंटू एक्स प्लस तीन डिवाइडेड बाई कितना? एक्स माइनस तीन. ये इसे कट गया तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स प्लस तीन आ गया. एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स प्लस तीन आ गया. क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? एफ एक्स बराबर एक्स प्लस तीन आ गया. तो एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा? वाई. तो ये वाई बराबर क्या आ गया? एम एक्स प्लस सी आ गया. इसका ग्राफ तो आपको बनाना आता ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका मतलब दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. मतलब y को ऊपर की तरफ काटेगा और एंगल कितना बनाएगा? x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1. मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाएगा. वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ लुक लाइक दिस. ये ओरिजिन हो गया और ये वाला ग्राफ आ गया. x प्लस तीन बराबर कितना? वाई. वाई बराबर एक्स प्लस कितना आ गया? तीन आ गया. लेकिन ये तीन जो पॉइंट है वो इसके डोमेन में नहीं था. अगर डोमेन में नहीं था इसका मतलब एक्स बराबर तीन इसके डोमेन में नहीं था. तो एक्स बराबर तीन इसके डोमेन में नहीं था तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? गोला. इस गोले का मतलब क्या है रे बाबा? एक्सक्लूडेड. तीन शामिल एक्सक्लूडेड. ये एक्स बराबर तीन इसके डोमेन में नहीं था, बाकी हर जगह ग्राफ में ये पॉइंट आएगा. यस और नो? तो फिर जरा देखिए, एक्स बराबर तीन इसके डोमेन में नहीं था. एक्स बराबर तीन अगर इसके डोमेन में नहीं था तो अब हम इसमें एक्स बराबर तीन रखें तो तीन और तीन कितना आ गया? छह. तो ये छह किसका वैल्यू आया? वाई का. तो वाई के ऊपर हमने सिक्स वैल्यू रख दी. दिस इज सिक्स वैल्यू. क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, मतलब क्या है? ये x बराबर कितना है? तीन है. x बराबर क्या है? तीन है. जब x तीन को अप्रोच कर रहा है, जब x किसको अप्रोच कर रहा है? तीन को अप्रोच कर रहा है. तो ये जो y है वो किसको अप्रोच कर रहा है? छह को अप्रोच कर रहा है. तो मेरा जो पॉइंट था, मैंने आपको लिखाया था कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a है देन एफ एक्स टेंड्स टू व्हाट? लैम्डा है. तो हम उस लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर कितना? दिस. तो अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसको अब मैं इस, ये मेरा ग्राफ बन चुका है, इस ग्राफ को मैं अब वो मेरे पॉइंट से कनेक्ट करता हूं. क्या कहा उसने? x अगर किसको अप्रोच कर रहा है? तीन को. तो मैंने यहां लिखा इफ x अप्रोच टू तीन देन fx कौन है? ये वाला fx किसको अप्रोच कर रहा है रे बाबा? छे को. fx किसको अप्रोच कर रहा है? छे को. देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू कितना? तीन. कौन? fx बराबर कितना? छे. यस और नो? fx कौन है यहां पर? ये वाला. तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू कितना? थ्री. fx कौन था? x स्क्वायर माइनस नाइन बाई x माइनस तीन. और ये सॉल्व होके इसका आंसर कितना आ गया? छह आ गया. क्या ये एग्जैक्टली छह है? यस सर. यस, यही तो बात है. यही तो बात है कि इसमें मैं कह रहा हूं कि दिस इज टेंड्स टू सिक्स और यहां पर मैं कह रहा हूं दिस इज इक्वल टू सिक्स. इसका मतलब लिमिट एक एब्सोल्यूट वैल्यू है. लिमिट क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है लिमिट. लिमिट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स वैल्यू होता है लिमिट. क्या होता है? फिक्स. जैसे मॉडुलस को एब्सोल्यूट फंक्शन कहा जाता है, उसी प्रकार से लिमिट जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट का मतलब लिमिट से आंसर इनफाइनाइट नहीं आया. इनफाइनाइट आ जाएगा तो अनडिफाइंड कहलाएगा. क्या कहलाएगा?
अनडिफाइंड। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसे जल्दी से आप एक बार लिख डालिए फटाफट, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जल्दी से इसे लिख डालिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Right? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, स्वयं रफ, मैं इसे रफ कर दूं तो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा जब x किसको अप्रोच किया रे बाबा, तीन को, तो fx किसको अप्रोच किया? सिक्स को अप्रोच किया। और इसको रिप्रेजेंट आपने कैसे किया? लिमिट x टेंड्स टू 3, fx बराबर कितना? 6। मतलब यहां तो अप्रोचिंग लिखा और यहां इक्वल लिख दिया। तो ये बात तो मैंने जब स्टार्ट की थी आज अभी थोड़ी देर 10 मिनट पहले, तो मैंने कहा था लिमिट तो झूठा क्षेत्र है। झूठे का मतलब क्या है कि भाई पहले आप अप्रोच करा रहे हो, पहले क्या करा रहे हो? अप्रोच। उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि उसके पास जाते ही वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ। जैसे मान लो कि आप किसी को अप्रोच करते हो, मान लो आप समझते हो ना मनीष, किसी को अप्रोच कर सकते हो, तो अप्रोच का मतलब है कि भाई नहीं पास नहीं है ना, बस अप्रोच कर सकते हो आप। अप्रोच समझ रहे हो ना? अप्रोच करने का मनीष को बहुत ज्यादा तजुर्बा है अप्रोचिंग का। सो अप्रोच करने का मतलब शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? हाँ, तो ये बात आप यहां पर x अप्रोच कर रहा है तीन को, मतलब x बराबर 3 नहीं है, नहीं तो फिर मैंने अभी बताया, क्योंकि अगर 3 हो जाएगा तो 3 को अप्रोच थोड़ी कर सकता है, मनीष को थोड़ी अप्रोच कर सकता है, चौधरी को थोड़ी अप्रोच कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा, एक और बात बताऊं, x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो x और 3 के बीच में कोई नहीं है। क्या बोला? x और 3 के बीच में कोई नहीं है, एक x है और दूसरा 3 है। ऐसा नहीं कि x और 3 के बीच में कोई है। अगर x अप्रोच कर रहा है 3 को, जैसे मनीष अप्रोच कर रहा है किसी फला फला को, तो मनीष और फला कोई नहीं है। हाँ, नहीं तो तांडव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांडव हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? मनीष और फला फला के बीच में कोई नहीं है। अगर देखो, इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 3 को, मतलब एक x है और दूसरा 3 है, इन दोनों के बीच कोई भी नहीं है। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली 3 नहीं है। एग्जैक्टली क्या नहीं है? 3 नहीं है। एग्जैक्टली 3 नहीं है। अच्छा, तो बोले ठीक है, इस बात को हम लोग एक स्टार लगा के पॉइंट से समझते हैं। एक्स अप्रोच टू अगर 3 लिखवाया है मैंने, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक्स अप्रोच टू 3 का मतलब मैं आपको समझाऊं कि एक्स का वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 नहीं है। x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 2.99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 
शायद, तो ध्यान से सुनना। तो बोले सर यहां 9999999, बोले सर यहां 8 लिख दूं क्या? अरे नहीं, यहां पर 8 नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 लिख दोगे तो x और 3 के बीच में कोई आ जाएगा। यस सर। इसका मतलब ये बात गलत है, इसका मतलब ये बात क्या है? गलत है। क्या चलता जाएगा? 99। बोले सर कहां तक जाएगा? बोले हमको नहीं पता कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बोले सर 6 लिख दूं क्या? नहीं, 6 भी नहीं लिख सकते। अगर 6 लिख दोगे तो इसके और इसके बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा yes. तो बोले साहब x बराबर 2.999999 ऐसा लिखा, यस और नो? यस सर। अच्छा बोले साहब x बराबर ये 3 है तो इसे 3.3 एक तो 3 से थोड़ा सा क्या रह गया कम? यस सर। 2.9999 3 हुआ क्या?
नो सर नहीं हुआ ना नहीं सर तीन को अप्रोच कर रहा है ना यस सर यस सर तो एक एक तरीका तो है ऐसे अप्रोच कराने का यस सर एक तरीका तो ऐसे है अप्रोच कराने का ये बात समझ में आ रही है यस सर अच्छा दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका क्या है थ्री नहीं है 3.0000000000000 क्या ये बात समझ में आ रही है यस सर बात समझ में आ रही है यस सर मतलब इस तीन को दो तरह से अप्रोच किया जा सकता है यस सर यस सर यस सर एक तरीका 2.9999999 दूसरा तरीका 3.0000000000 मतलब किसी भी पॉइंट को अप्रोच करने के कितने तरीके दो 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 कौन से तरीके दो तरीके दो क्या ये बात समझ में आ रही है यस सर क्या ये बात समझ में आ रही है यस सर क्या मैं यहाँ पर वन लिख सकता हूँ नो सर नहीं यहाँ पर वन नहीं लिखेंगे नहीं तो फिर एक्स और तीन के बीच में कोई ना कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा यस सर अगर आ जाएगा तो ये बात गलत हो जाएगी तो ये पॉइंट आपको समझ में आया यस सर ओके चार के बाद पांचवा पॉइंट चार के बाद पांचवा पॉइंट जैसे मैं लिखता हूं ना एक्स टेंड्स टू ए क्या लिखता हूं एक्स टेंड्स टू ए तो जहां पर जहां से ये तीर का निशान निकलता है वो क्वांटिटी वेरिएबल होती है अरे क्या होती है रे बाबा वेरिएबल और जहां तीर का निशान टकराया वो क्वांटिटी क्या होती है कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिख डालिए जहां से तीर का निशान निकला वो क्वांटिटी क्या होती है वेरिएबल होती है और जहां जाता है वो क्या होता है कांस्टेंट है क्या होता भाई कांस्टेंट होता है क्या ये बात समझ में आ रही है सबको यस सर जहां से जैसे मान लो मैं एग्जांपल पे बताऊं अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू टी बताओ भाई कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट एक्स वेरिएबल और सब एक्स यहां पर क्या होगा वेरिएबल और जहां तीर का निशान जाता है वो क्या होता है भाई कांस्टेंट कांस्टेंट क्या ये बात समझ में आ रही है यस सर वेरी गुड इसे भी उतार लीजिए बहुत काम की चीज है बहुत बच्चे लिमिट पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है दिस इज योर फाइव पॉइंट पांचवा पॉइंट है लिमिट पढ़ लेते हैं लेकिन बच्चों को आइडिया नहीं लगता है जहां से तीर का निशान निकलता है वो क्या होता है वेरिएबल और जहां जाता है वो क्या होता है कांस्टेंट यस और नो यस यस सर अगला पॉइंट पांच के बाद छठा पॉइंट ये सब पॉइंट वाइज लिखते जाइए आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए यस और नो नेक्स्ट है एक 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 टर्मिनोलॉजी है डिलीटेड नेबरहुड DELETED डिलीटेड NE अरे नेबरहुड का स्पेलिंग भी नहीं आता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इसका मतलब समझते हैं क्या समझते हैं भाई डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए किसी भी पॉइंट ए का डिलीटेड नेबरहुड क्या है क्या बोला मैंने डिलीटेड डिलीटेड मतलब डिलीट कर दिया किस नेबरहुड जैसे मान लीजिए मैं हूं मेरे नेबरहुड में मेरे राइट साइड है और 10 मिनट बचा है क्लास के अंदर 10 मिनट बचा है क्लास के अंदर 5 मिनट सर नहीं 10 मिनट दिखा रहा है रेगुलर रहेगा ना ओके जरा बोर्ड पे देखिए भाई मैंने कहा देखिए मेरा नाम ए है मेरा नाम क्या भाई ए मेरे पड़ोस में इधर है ये मेरा राइट है आपका कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता ये मेरा क्या है लेफ्ट है लेफ्ट ये मेरे डिलीटेड नेबरहुड है मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको यस सर ये मेरे डिलीटेड नेबरहुड है और ये मेरा जो गर्दन है ना मेरी खोपड़ी अरे मेरी खोपड़ी दिख रही है आपको यस सर इसको डिलीट कर दो क्या कर दो डिलीट डिलीट कर दो इसको तो ये डिलीटेड नेबरहुड हो गया
इस चित्र को आप फील कर रहे हो, ये हाथ रहेगा, ये हाथ रहेगा, इतने पोर्शन को क्या कर दो, डिलीट, डिलीट। तो देखो ध्यान से, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट ए का डिलीटेड नेबरहुड क्या, तो डिलीटेड नेबरहुड डी एंड डिलीटेड नेबरहुड किस पॉइंट का, ए का, इसका डिलीटेड नेबरहुड होता है, इसका डिलीटेड नेबरहुड होता है ए माइनस लेमडा कॉमा ए प्लस डेल्टा माइनस, किसको हटा दो, खोपड़ी को हटा दो, खोपड़िया कौन थी, ये वाली खोपड़ी थी, इसका नाम क्या था, ए था, क्या नाम था, ए, इसका मतलब ये मेरा कौन सा हाथ था, राइट हैंड, लेफ्ट, ये कौन सा था, लेफ्ट हैंड, तो मतलब मेरे पूरी बॉडी में से इस मुंडी को यहां से हटा दिया, जिसका नाम क्या था, ए था, ये वाला हाथ ए प्लस लेमडा, सॉरी ए प्लस डेल्टा, और ये वाला हैंड ए माइनस डेल्टा, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, तो बोले साहब ये नई चीज क्या लेके आ गए आप, तो मैंने लिखा वेयर डेल्टा इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बहुत ही छोटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये ए प्लस लेमडा मेरा राइट हाथ है, राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा कौन है, लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और मेरी मुंडी जो ए था मेरा नाम, उसको वहां से क्या कर दिया, हटा दिया, तो हटाने का मतलब समझो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, हटाने का मतलब ही डिलीटेड है, हटाने का मतलब क्या है, डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट, यस और नो, तो अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बटा एक्स माइनस थ्री, तो उसमें से तीन जो था वो क्या था, डिलीटेड था, डिलीटेड, वो तीन क्या था, डिलीटेड था, डिलीटेड, यस और नो, तो उसके एक आगे और एक उसके पाछे, तो वो उसके नेबरहुड हो गए, एक राइट वाला नेबरहुड और एक लेफ्ट वाला नेबरहुड, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यस सर, फाइन, सो डेल्टा यहां पर क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ये बात आपको सबको समझ में आ रही है, yes, तो बोले साहब ये बताओ इसको आप लिखोगे कैसे, अच्छा आप ये बताओ मुझे इसी बात में कैसे लिखेंगे, मैंने क्या लिखा, x अप्रोच टू क्या रे, ए है, x अप्रोच टू क्या है, ए है, इसका मतलब x x अप्रोच टू ए है, तो x किसको अप्रोच कर रहा है, ए को, तो वो x एक्सिस पर करेगा कि y एक्सिस पर करेगा, y एक्सिस, पागल हो गया, अरे इसको x अप्रोच टू ए है, तो मुझे बताओ x जो है वो ए की तरफ जा रहा है, तो वो x एक्सिस पर चल रहा है कि y पे चल रहा है, x एक्सिस पे, वेरी गुड, तो आपने क्या ड्रॉ किया, x एक्सिस, यस और नो, यहां पर इस बंदे का नाम क्या है, x बराबर कितना, a, a से बड़ा, a से बड़ा, इसको अप्रोच करने के दो तरीके बताए थे मैंने, यस सर, जब आप इधर, क्या एक आदमी इधर से अप्रोच कर सकता है, एक आदमी इधर से अप्रोच कर सकता है, कोई और उसके अलावा अप्रोचिंग कर सकता है क्या, नहीं सर, इसका मतलब अगर इधर से किया तो ये इधर a से बड़ा होगा कि नहीं होगा, यस, तो ये होगा a प्लस डेल्टा होगा कि नहीं, यस सर, इधर से अप्रोच करेगा तो ये a माइनस डेल्टा होगा कि नहीं, डेल्टा, यस यस सर, अच्छा क्या हमारी जिंदगी में a होगा क्या, नो सर, नो सर, अरे भाई a पर होता तो लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं सर, क्योंकि a पर हमारा फंक्शन क्या था, नॉट डिफाइन था, नॉट डिफाइन, यस, और नॉट डिफाइन था, इसीलिए हमारी जिंदगी में लिमिट निकालना आया कि नहीं आया, यस सर, नहीं तो ये एक दुर्गंध हमारी जिंदगी में क्यों आती, हमारी जिंदगी में कोरोना ही बहुत बड़ी समस्या है, ये लिमिट कहां से आ जाती, बात समझ में आ रही है क्या आपको, यस सर, यस सर, इसका मतलब एक्स बराबर ए पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं था, एक्स बराबर ए पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं था, नहीं, इसीलिए हमने उसके पड़ोसियों पर चर्चा की, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक्स बराबर ए पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि जरा इसके पड़ोसियों को देखते हैं कि इनका क्या हाल है,
तो एक पड़ोसी का नाम मिला ए प्लस डेल्टा और दूसरे पड़ोसी का नाम मिला ए माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, इफ यू राइट इन हिंदी, हमें हमें एक्स बराबर ए पर, हमें एक्स बराबर ए पर फंक्शन वैल्यू, कौन वैल्यू रे, फंक्शन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड मिली। क्या मिली? नॉट डिफाइंड मिली, मिली। सो हमने उसके पड़ोसियों पर चर्चा की, हमने उसके नेबरहुड, किसमें बात करी, नेबरहुड, नेबरहुड, ये नेबरहुड की स्पेलिंग आज तक मेरे को क्लियर नहीं हुई है भाई। हमने उसके नेबरहुड में यस सर चर्चा की, यस और नो। तो उसके जो नेबरहुड है वो कौन कौन है, ए प्लस डेल्टा और दूसरा कौन है, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो डिलीटेड नेबरहुड है इसमें कितने पॉइंट है? दो। इनफाइनाइट। अरे पगला, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, एक्स अगर आप तीन को अप्रोच कर रहा था तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, छह को कर रहा था, यस और नो, यस सर। एक्स अगर तीन को अप्रोच कर रहा था तो एफ एक्स छह को अप्रोच कर रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, यस सर। तीन और छह के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं कि नहीं होते, यस सर। इसका मतलब डिलीटेड नेबरहुड में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, राइट, लिख लो, नोट लिख लो नीचे एक स्टार लगा के, इन द डिलीटेड नेबरहुड देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इन द डिलीटेड नेबरहुड देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इन द डिलीटेड नेबरहुड देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। डिलीटेड नेबरहुड में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। डिलीटेड नेबरहुड में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। दो मिनट है सर। डिलीटेड नेबरहुड में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर और नॉट? यस सर। फाइन। अब जरा यहां पर एक और बात, डिलीटेड नेबरहुड किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पूछूं, एक्स अप्रोच टू मान लीजिए माइनस नाइन है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस नाइन को अप्रोच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, yes, तो इसका डिलीटेड नेबरहुड, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्स बराबर माइनस नाइन है कि नहीं है, yes, sir. अच्छा इसकी जिंदगी में एक राइट साइड में होगा आदमी, एक पड़ोसी लेफ्ट साइड में होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो ये माइनस नाइन प्लस डेल्टा होगा कि नहीं होगा, यस सर। और ये माइनस नाइन माइनस डेल्टा होगा कि नहीं, माइनस डेल्टा होगा, तो ये पूरा का पूरा मोहल्ला आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। लेकिन इसके अंदर माइनस नाइन पर गोला लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो ये बताइए इसका डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, डिलीटेड नेबरहुड माइनस माइनस क्या लिखोगे, माइनस नाइन माइनस डेल्टा से लेकर माइनस नाइन प्लस डेल्टा, और जैसे कौन हटा दोगे, माइनस नाइन को हटा दोगे, समझ में आया, यस सर, यस सर, पक्का, यस सर, यस सर। तो यहाँ पर एक बात, ये भाई साहब किस तरफ से आ रहे हैं, राइट साइड से, ये किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से, यस और नो, यस सर। तो बताइए राइट नेबरहुड कौन,